व्लॉग भी नहीं बना पाई ना। दिव्या आई है मेरे पास सरप्राइज लेकर मेरा बर्थडे पे, वो वीडियो मेरे साथ कोलैब कर दियो इंस्टाग्राम पे जो भी बनाई है। मेरा बर्थडे देखो कितना स्पेशल बनाया, ये आइसक्रीम केक लेकर आई, बुके लेकर आई, इतना प्यारा मेरे बर्थडे के लिए। उसको पता है मुझे घेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, घेवर लेके आई और एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आई। और मैं ये देखो क्या ही बोलूँ इस लड़की का। अरे नन्नू लगी हुई है इसको खाने में और एक ये सूट लेके आई है बहुत ही प्यारा पिंक कलर का। उसको मेरी एक एक चीज़ याद है, एक एक चीज़। रेड वेलवेट केक मुझे पसंद है, पिंक कलर का सूट मुझे पसंद है, पिंक कलर मेरा फेवरेट है, घेवर वगैरह एक एक चीज़ वो सुनती है, नोटिस करती है। थैंक यू दिव्या, आई लव यू फॉर मेकिंग माई डे स्पेशल। नन्नू आइसक्रीम खा रहा है मेरा। चलो ये वाला काटते हैं फिर, बाकी क्या आप काटना परी और मनु के साथ इसी में काटें। खुद काट रही है वैसे काटो ना जैसे स्कूल के बच्चे काटते हैं, ऐसे ऐसे करते ऐसे आइसक्रीम वाला ही ऐसे नहीं कटेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जानू। उसका फ्रिजर में लगाऊं? ये फ्रीजर में लगाना था क्या? आइसक्रीम के गई मुझे नहीं पता। और यहाँ यार एक गिफ्ट और ही किसने भेजा है कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इस पर नाम सिर्फ मेरा है। ये हो सकता है पूनम ने भेजा हो, क्योंकि वो कह तो रही थी कि पार्सल आएगा शाम तक, लेकिन अभी शाम तो ही नहीं है। देखिए ऐसा क्या है इसमें, पैकिंग ही नहीं खुल रही है पूरा, कट्टे में पैक हो रखा है। अरे भाई क्या है, क्या है अच्छा ये प्रमोशन का है ये प्रमोशन का है, वही सोचो पूनम ने ऐसा क्या भेज दिया। फिर मुझे ये था भाई एक वॉच मुझे भी पसंद आई थी एनके की, मतलब वो भेज दी क्या, ये प्रमोशन का है, ये हस्बैंड वाइफ की वॉच का एक प्रमोशन आया था मेरे पास, तो ये उसका है स्मार्ट वॉच। दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये कुछ ऐसी वॉच है, ये पर अब मुझे डाउट ऐसा है कि उसने एक ही भी, उसके दो कलर भेज दिए शायद। ये सुंदर लग रही थी मुझे,
जब कोलैबोरेशन आया था स्मार्ट वॉच है ये भाई, कितने तो डब्बे हैं हे भगवान। सुंदर है ये तो, भी इसमें चार्जर है, ये इसकी स्क्वायर शेप में देखो नग के साथ वॉच है, और इसमें शायद स्ट्रिप्स हैं इसकी। वाओ वाओ बहुत सुंदर, बहुत हैवी भी और बहुत सुंदर, और अच्छा ये ब्लैक के साथ भी, एक पट्टा और है इसके साथ। सुंदर घड़ी है, सुंदर घड़ी है, बहुत सुंदर घड़ी है। उन्होंने कहा तो था कि ये आदमियों की है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ये तो मेरे को अच्छी लग रही है। आदमी औरत का किसने बांटा आज के टाइम पे, सब एक दूसरे जैसे कपड़े और चीजें पहन लेते हैं। अब इसमें क्या है वो भी देख लेते हैं, चलो बाद में दिखाऊंगी। हेलो दोस्तों, घेवर खा लो, इतने काजू बादाम इसमें डाल दिए, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, तो गला भर गया मेरा, इतना खा लिया मैंने घेवर आज, बहुत गर्मी है। हमारी नन्नू है भाई, लगवाब बोल रही है ना, नो लव फ्लावर लगा दूं, तोड़ना नहीं है लव फ्लावर का, ईयर्स पे लगा दूं आपके, नन्नू का गुस्सा आ जाएगा, मैं नहीं डरती, हट जा, गुस्सा आ जाएगा उसको, परी वो फिर मारेगी तेरे, फिर तू रोएगी, मन नहीं मान रही, छोड़ देना बेटा, मार दे इसको नन्नू, लकड़ी की काट, नन्नू मार दे दीदी को, मार दे दीदी को, लाओ फूल लगा लो, ईयर्स पे लगा लो फूल, मैं लगा के दे रही हूँ ना, धूप आ गई अचानक फिर से, किसी देना नन्नू किसी, चलो भाई धूप आ गई। हरिद्वारका में लगा हुआ था मेला, और हमने जैसे हमारी एक मेमोरी हुआ करती थी, हम बचपन में इतने एक्साइटेड हुआ करते थे कि मेला लगेगा, मेले में जाएंगे, खिलौने लेंगे, सेम वही एक्सपीरियंस मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों को भी याद रहे, क्योंकि हमें अपने बचपन में मेला वर्ड बहुत याद रहा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची भी जब बड़ी हो और उसको ये चीज़ें रिमेंबर रहे, रिकग्नाइज रहे कि हम मेले में जाते थे, हम वहाँ पर खिलौने खरीदते थे, झूला झूलते थे, तो उस एक एक्सपीरियंस के लिए मैंने उसको ये मेला दिखाया, और वहाँ पर हमने इसको सारे टॉयज़ वगैरह दिलाए, नन्नू को भी हमने सारे टॉयज़ वगैरह जो बच्चों को चाहिए था वो सब हमने दिलाया। लास्ट में हमने एंड किया एक आइसक्रीम के साथ, जो पॉप आइसक्रीम, ये आप लोग जानते होंगे एक पाइप में आते आइसक्रीम, ये इसके साथ, तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, और ये था मेला, ये पूरी डेकोरेशन मेरे हस्बैंड ने किया, देखो मेरे लिए ये दिव्या ने भिजवाया था, कितना सुंदर लग रहा रखा, वो भी बुके भी दिव्या ने दिया था, डेकोरेशन देखो कितनी अच्छी, पर ही कह रही थी इसमें से किसी एक बैलून में 100 रुपये रखे हैं पापा ने, मेरे को तो किसी बैलून में 100 रुपये दिखाई नहीं दे रहे भाई, एक ही भी कितना प्यारा बुके है। मम्मी टॉफी तो रख दो, बचपन में बर्थडे बनाएंगे, बैठ जाना उनसे, पंखा चला दो, नन्नू को चाहिए टॉफी ला, रखने के लिए थोड़ी देर, चाचा हैप्पी बर्थडे दी जाए, विश मांग के फूंक दो, विश मांग के फूंक, नन्नू स्टार्ट करो, आज आ जा, मैं बोल आज आ जा, अरे वो खड़ी हो, इधर आ, मां से बोल दी, नन्नू जल्दी केक काटेंगे, नन्नू देखा गोदी मार दिया, लाडी गोदी में
गोदी में आ जा। थ्री टू चलो फू मारेंगे। वन टू और इस पार्ट को मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर क्योंकि इसमें सॉन्ग चल रहा था हैप्पी बर्थडे तो कॉपीराइट आ जाता। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने दी है मुझे ये गोल्ड की रिंग और मेरी सासू माँ ने दी 1000 रुपये और मैंने बोला पहली बार 1000 रुपये दिए तो मम्मी ने थप्पड़ मार के कहा कि 2 बार ही नहीं दिए थे और हर बार कुछ ना कुछ देती और इस बार दे दिया। तो भाई मुझे नहीं पता कैसे मेरी सासू माँ ने दे दिए लेकिन थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए सबने कुछ ना कुछ दिया। मेरे हस्बैंड ने इतनी प्यारी गोल्ड की रिंग मुझे दी जो कि मुझे चाहिए थी बहुत टाइम से। मैं वैसे सेलिब्रेट करना नहीं चाह रही थी लेकिन सबने मुझसे ज़्यादा खुशी इस बार सबको थी, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे हस्बैंड ने डेकोरेशन की, लास्ट में मेरे हस्बैंड की थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो गई तो मुझे ये था कि नहीं मनाऊंगी मैं बर्थडे लेकिन उन्होंने डेकोरेशन की और बर्थडे सेलिब्रेट किया। उन्होंने मेरे मम्मी को, देवरानी को इन्वाइट किया और आए और हम मैंने झट से ड्रेस डाली और केक को कट कर और मेरी देवरानी ने मुझे ये जीवा की सिल्वर चेन गिफ्ट किया और ये कुर्ती सेट है जो पूनम ने मुझे दिया है। आप सब जानते हो राव साहब ने, जो जयपुर से मेरी फ्रेंड है पूनम यादव, उसने मुझे ये गिफ्ट भेजा है और ये भी मैं इस ब्लॉग में ऐड कर रही हूँ ताकि सारी मेमोरीज मुझे याद रहें। इसके साथ बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, हैंडवर्क का ये कुर्ती सेट है। और मेरी एक और फ्रेंड है अंजू राम है उनका, उन्होंने मुझे ये सूट स्टिच करके दिया, डिज़ाइन करके दिया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर उनका अपना बुटीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग माय डे स्पेशल। बाय बाय।